संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आप मन देखा तो अपन यूट्यूब चैनल जेखर नाम है cgfilm.in। तो संगवारी हो, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में है संगवारी हो, जैसे कि आप मन देख सकते हो, मेहमान ससुराल फिल्म में जबरदस्त गीत के साथ अपन कला के परिचय दी से, और इतना खूबसूरत गीत रही से जिनला आप मन इतना माया दुलार आशीर्वाद दे हो। तो संगवारी हो, हमारे साथ में है दिलीप कौशिक जी, जेखर गोड बात करबो, और एक नवा फिल्म के कवरेज पर आया हमन। तो सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिलीप कौशिक, ये गवन फिल्म के पटकथा संवाद मोरे लिखे हुए, और एकर पहली फिल्म रही से ससुराल। तो मैं के पटकथा संवाद और सब गीतला मैं ही लिखे रहे हूँ। और ओकर बाद दूसरा फिल्म मोर शूटिंग हुए है बीरतिया बाबा के अमृत माटी, जेकर अभी मिक्सिंग एडिटिंग के बाकी काम चलत है। और ये हम तीसरा शूटिंग कहाँ हो रही सर? जो बीरतिया बाबा की शूटिंग कैथा गांव में हो रही से। अच्छा। जहाँ मान्यता है कि कोई भी सांप जैसे काट देते तो वहाँ जिन आदमी पहुँच जाते वो हर ख़त्म नहीं हो। अच्छा, वो ओकर ऊपर? हाँ, ओकर ऊपर कहानी है। अच्छा सर, हम अभी जानना चाहता था ये गवन फिल्म के बारे में। गवन फिल्म के बारे में दर्शक मतलब जतका हो सके आप मन जानकारी दो। एकदम खूबसूरत लोकेशन है, गांव के एकदम ठेठ, जिसे नाम है गवन, वैसे टाइप की एक गाँव वाला भी आप मन ऐसी चॉइस हो है, तो इखर बारे में आप मन के क्या कहना है? गवन शादी के कुछ अंतराल में जो विदाई होते वोला गवन कहे जाते। और यह कि देवा हमारे परंपरा है गवन के जी। कि अभी देखिया पहले समय में जैसे बचपन में शादी हो जाए, बचपन में शादी हो जाए जी, ओकर बाद जब बड़े हो जाएं लेकिन मन ओकर बाद ओकर विदाई करें। बिल्कुल। और अब भी वो परंपरा है, वो हर होते का कि हम मतलब पता नहीं चले कि गवन के नेंग कब होते करके। और होते शादी होते और शादी कंप्लीट होए के बाद दूल्हा दुल्हन ला सादा एक कपड़ा माला से दुल्हन दूल्हा वाला जो ड्रेस है ओला उतरवा के दूसरा ड्रेस पहना के एक मड़वा में खड़ा करके ओकर गवन, हाँ गवन करते, ओकर विदाई के रस्म करते जी। और हमें पता नहीं चला कि ये हमें सब सोचते हैं कि शादी ही होते असली बिहाव है तो शादी हाँ, हो शादी तो। हो हाँ। तो ये है, तो ये लोकेशन ला वही ये फिल्म के बहुत पहली के मोर मन मेरी से जी कि ऐसे ये फिल्म बनाए करके जी तो बाद में देखा ये इतफाक है जी कि जिन मोर सफल सपना से होते सफल होते। जी, और तो ये शूटिंग कब से चलते, कतेक दिन हो गए? 24 तारीख से कर शूटिंग शुरू हुए है जी। और शर्मा जी हमारे निर्देशक है, वो जल्दबाजी नहीं करा थे, ओकर कहना है कि बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, भले एक दिन में एक ही सीन क्यों शूट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म में अपन तरफ से कोशिश है कि कहीं कोई चीज़ कमी ना रहे, कमी ना रहे। ठीक। तो अच्छा, आप में जुड़े कैसे, कैसे उखर से मुलाकात हुई सब, और ये चीज़ फिल्म बनाना है करके सोचे उखर बारे में? वो हर इत्तिफाक है कहा कि एक कोई फिल्म के गाना लिखवाए पर उमन मुलाकात कर रही है, वो आ रही है कोई फिल्म के प्लानिंग करत रही है जी। तो गाना लिखवाए पर कॉल करी और जो मित्र मिलाइस अजय महंत करके वो लड़का हर पहले से परिचित में रही से जी। तो हर मुलाकात करो इस समय बोले कि भैया गाना ये नहीं है, इत्तिफाक से भले लिख लेता हूँ। और एकर पहले आप मतलब बताना चाहूँ कि एक गाना बहुत प्रसिद्ध हो रही इस जस गीत जी, शायद बहुत कम आदमी में जाना था ही। तो दर्शक ढोल हाँ सुना के वो गाय तो मैं नहीं जाना लेकिन और इसे कर बोल रही से ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना माता रानी के भवन में बड़ी। बिल्कुल, दर्शक में सुना था मतलब दिमाग में आगे सही है गाना। तो वो गीत अलका गायरी से घनश्याम गंधर्व कर संगीत वगैरह भी तैयार करी से ध्रुव राम नारायण ध्रुव हमन के कॉलेज में सीनियर रही है जी, तो मन सब मेहनत करके बना तो रही। बचपन से आप मन का रुझान रही से इसने फिल्म लाइन में जाना है, गीत संगीत के बारे में? पहली केवल उपन्यास पढ़े शौक रही से, ओकर बाद धीरे धीरे फिर और थोड़ा बहुत नन्हा आकाश वगैरह कुछ पत्र पत्रिका में हिंदी में लिखत रहे जी, तो एक शौक रही से जी। और छत्तीसगढ़ी लिखाई ले तो लेखन ले बहुत दूर ही रहे जी, और इतफाक है कि गाना लिखे होते हाँ होते गई।
अच्छा ससुराल फिल्म में आप मन बड़ सुग्गर जैसे कि पहली भी बताया, हाँ। तो वो गाना कैसे टाइप के आप मन लिखे हो, का कुछ मेहनत रही से और आपका दर्शक मन के दिलो दिमाग में छाया हो गाना मन है? तो भी अचानक टाइप के जब वो कर प्लान बनी आप मन के ससुराल फिल्म जी जब कर पट कथा सवाद पूरा लिखे होकर गीत भर हुईस तो हमार केसरवानी जी सागर केसरवानी जी, जी वो कोई बोले रही से कि भाई गीत दिया करके तो हर लेट करत गईस तो बोले कि सर काम चालू करना है काम चालू करना है लेट होते तो मैं बोले ठीक है मैं देखा था तो पहले से कुछ गीत लिखा रही सोल करेक्शन करके फिर ये जो लिख दे जिंदगी तोरे नाम जी जो बहुत सब पसंद करी। अच्छा तो सर आप मन तो गाना लिखते हो आप ये शौक है आप मन कभी गाना आप मन लिखे वाला गुनगुनाए के कभी मन करते एक बार गुनगुना के दर्शक वाला सुना देते थोड़ा एक आध लाइन? अभी गायकी के क्षेत्र में तो बिल्कुल जीरो हूं। बिल्कुल कोई बात नहीं। और दूसरा कि संगीत संगीत का है उकर आज तक किनारे नहीं गया हूँ ये इत्तेफाक है जी। और इसे लिख दे हो जिंदगी तोरे नाम गुइया रे गुइया ऐसे करके इसे और अचानक टाइप के ओहर लास्ट में लिखा इस बाकी गीत सब कंप्लीट करे के बाद जी ओहर अचानक टाइप है इस मन में और परिणाम आप मन के सामने। बिल्कुल। अच्छा ये फिल्म में गाना कते कन है एमा आप मन? हाँ एमा छः गीत रही चार ठो के रिकॉर्डिंग हो गए जी। तो मैं जो एक सेट सॉन्ग है जी ये वो सेट सॉन्ग है आप मन के बहुत प्यारा सा है जी याद थोड़ा सही होते कोई दिक्कत नहीं चली और बहुत प्यारा सा गीत है जी। और आकाश जी तो दिन भर में डूबे रहते वो गाना में सैड सॉन्ग हाँ सैड सॉन्ग में अंदर से एकदम फील हाँ, करते फील करके वो क्या दिन भर वो सुनते ही रहते हैं और आप मतलब जरूर पसंद आई और गीत आकाश के कहना है कि सर आप ही उसमें का सिचुएशन का एक गीत है उसको उसी सिचुएशन वो सिचुएशन है उस पर आप लिखिए करके वो पीछे पड़े हैं तो अच्छा। देख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप मन जैसे कि अभी पहली भी बहुत अच्छा अच्छा गाना मतलब लिख के आप मन दे हो तो जाहिर से बात है ये फिल्म आप मन खूब मेहनत करा था तो हाँ। रंग जरूर लाही मेहनत के फल मिलते कि थे बिल्कुल हाँ। मिली। तो कलाकार मन कौन कौन से कलाकार मन है यहाँ अभी फिलहाल शूटिंग चलाते तो? लीड में है हमार सोनी जी आकाश सोनी है जी और ओकर अपोजिट है काजल सोनवीर मोहन चौहान हैं कीर्ति प्रकाश हैं अनीता बरेट है गायत्री निषाद है जी और आपन के संगीता निषाद है भूपे वो पुष्पेंद्र जी हैं अंसारी सलीम सलीम अंसारी जी हैं विकेट करी है तो वो सब हैं और सब अच्छा सहयोग दे रहे हैं और बढ़िया मेहनत कर रहे हैं इस 100% देने की कोशिश ही कर रहे हैं मतलब भी जी। तो सबका मेहनत था कब तक अच्छा कंप्लीट होगा के प्लानिंग हाँ है? समय तो लगेगा कम से कम अभी 15 दिन तो और शूटिंग हाँ लग ही जाही 15 दिन शूटिंग और लग जाही ठीक और फिर ओकर बाद गाना के शूटिंग अलग अलग लोकेशन में जी तो ठीक जल्दी बहुत खुशी। 2000 सर जैसे आप मन गाना लिखते हो तो का ऐसे चीज खास ध्यान देता हो जिनला नवा युवा मन भी ध्यान दे और सीखे ओखर बारे में आप मन को का मैसेज देना चाहते हो? अब गाना तो मोर ये नहीं है माने वो भले मतलब लिख लेता लेकिन हाँ पर आप मन लेकिन एक बेस्ट चीज़, बेस्ट गाना हाँ, दे हो तो एक सबसे बड़ी चीज है जानकारी कोई भी चीज दिमाग से नहीं दिल से लिखो जी सब महसूस हाँ करके महसूस करके तो जरूर पसंद आई जी। वैसे आप मन अभी फिलहाल और का काम करते हो? मैं हर उच्च वर्ग शिक्षक हूँ जी जो गवर्नमेंट टीचर हूँ जी वर्तमान में आप मन के मस्तूरी ब्लॉक सलीमतरा गांव है जी वहीं पदस्थ हूँ मैं यहाँ क्या बात और वहाँ 10 साल हो गए जी लड़का वाला सब पढ़ा रहे हाँ लड़का वाला उगड़ से जुड़े रहते हैं सब लड़का से अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा घर में रही है तो अच्छे नहीं लगे काबर लड़का मन के बीच रहिया जी 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 तो उगड़ से भी एक प्रेरणा मिलते हैं मन के लेखन में भी जी कि मन के जो गतिविधि रहते वो भी भर हर माने हाँ वो प्रेरित करते हैं जी और बहुत से आदमी मन कर मिलिया तो हर में एक न एक करेक्टर जरूर रहते बिल्कुल 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 और कुछ बहुत से जो कॉमेडी वगैरह हैं
तो हमन के शिक्षक मित्र हैं और बीच से समाज के बीच से ही जो मिले जो मिले हैं, देखत रहते देखत महसूस रहे करत महसूस रहते। करता, वही कोशिश करता हूँ नया कुछ मिले प्रयोग ये हो जाए फिल्म कर। कब तक आई आप मन कब ये तक सोचे हो? हर अप्रैल तक के सोचे दो हजार हैं, इक्कीस में हाँ अप्रैल 2021 अप्रैल तक जी मने लाए के प्रयास है, तो कर सब लगे हैं जी अधिकतर ठीक है से। सर, आप मन ला बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें टीम के तरफ से, और आप मन के फिल्म वाकई में एक अच्छा बढ़िया दर्शक मन पर साबित हो, एक शुभकामनाएं ढेर हो। जय जोहर जय। चलो आप मन सीजी फिल्म .in ला देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।